So if I talk about router, yeah, well, I already explained you about working of your router, like what is the basic function of your router. Routers we will discuss about, first of all, components of your router. Fine. So there is some components in your router, like flash memory, RAM, NVRAM, ROM, and IOS. So we will discuss about these things. Fine. अगर मैं बात करूँ फ्लैश मेमोरी की, हमारा कंप्यूटर रहता है ना, कंप्यूटर है हमारा, राउटर भी क्या है, राउटर एक कंप्यूटर की तरह ही है, ठीक है। कंप्यूटर का एक अलग फंक्शन होता है और राउटर का क्या है, एक अलग फंक्शन होता है, ठीक है। अब हमारे कंप्यूटर में क्या है, हम लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम सेव करना है, हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, तो वो कहाँ पे सेव होता है, वो कहाँ पे सेव होता है, वो हार्ड डिस्क ड्राइव में सेव होता है ना। इसी तरह से हमारे राउटर्स में भी क्या होगा, कोई ना कोई तो ऐसी मेमोरी होती होगी वहाँ पे जिसमें राउटर का ऑपरेटिंग सिस्टम सेव हो रहा होगा। राउटर के ऑपरेटिंग सिस्टम को हम लोग बोलते हैं IOS, इंटरनेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इस तरह से हमारे सिस्टम्स में जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं, लाइक विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज़ करते हो, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं ना, डिफरेंट डिफरेंट वेंडर के ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं। इसी तरह से सिस्को के जो राउटर में, सिस्को के जो डिवाइसेस में जो आप लोग ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हो, वो होता है आपका IOS, इंटरनेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। और ये सेव कहाँ पर होता है, जिस तरह से ये ऑपरेटिंग हमारे सिस्टम के, कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम सेव होते हैं हार्ड ड्राइव में, इसी तरह से राउटर में भी एक फ्लैश मेमोरी रहती है जहाँ पे राउटर का क्या होता है, IOS सेव होता है। ओके, तो फ्लैश मेमोरी क्या है, हमारे कंप्यूटर में जो एक हार्ड डिस्क होती है ना, उसी तरह से राउटर में भी क्या रहेगी, एक ड्राइव रहेगी जिसको हम लोग फ्लैश मेमोरी बोलते हैं, जहाँ पे राउटर का ऑपरेटिंग सिस्टम सेव होता है। इसमें लिख सकते हो आप, इट इज़ just like hard disk of your computer. It holds the IOS. ये IOS को क्या करता है, होल्ड करता है ना, IOS को स्टोर करता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं रैम की, रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। इट इज ए काइंड ऑफ योर ए वोलेटाइल मेमोरी, it is a volatile memory. What do you mean by volatile memory? volatile memory का मतलब ये होता है कि जब तक उसमें इलेक्ट्रिसिटी है तब तक आपका उसमें डेटा सेव रहेगा, जैसे ही पावर चलेगी, इलेक्ट्रिसिटी चलेगी, डेटा क्या हो जाएगा, इरेज हो जाएगा। हमारे सिस्टम में भी तो यही होता है, हमारे सिस्टम में क्या होता है, जो भी आप टास्क कर रहे हो वो सारा किस में हो रहा होता है, वो रैम के अंदर हो रहा होता है। और जैसे ही आप लाइक आप कोई फाइल बना रहे हो, ठीक है, तो वो काम पे काम चल रहा होता है, आपका रैम में चल रहा होता है। अगर आप सिस्टम को रिस्टार्ट कर दोगे तो वो फाइल मिलेगी आपको नहीं। अगर आपने उस फाइल को देखना है तो क्या करना पड़ेगा, उस फाइल को सेव करना पड़ेगा ना, क्योंकि रैम का डेटा तो आपका डिलीट हो जाएगा रिस्टार्ट होते ही। इसी तरह से क्या होता है, राउटर में भी एक रैम होती है। जो भी मैं रनिंग कॉन्फ़िगरेशन जो भी कर रहा हूँ राउटर में, जो भी कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ मैं, जो मेरी कॉन्फ़िगरेशन चल रही है वो कहाँ पे चल रही होती है, वो रैम के अंदर चल रही होती है। इसमें लिख सकते हो आप, इट होल्ड द फाइल ऑफ रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, इट होल्ड द फाइल ऑफ रनिंग कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन मींस प्रोग्राम जो चल रहा होगा। हाँ, कॉन्फ़िगरेशन मींस आपने राउटर के ऊपर कोई आईपी एड्रेस असाइन कर दिया, उस पर कोई पासवर्ड असाइन कर दिया, ठीक है, राउटिंग कर दी, ठीक है। तो जो भी आप कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो, जो भी उसमें कोई टास्क आप कर रहे हो, तो वो किस में चल रहा होता है, वो रैम में चल रहा होता है, ठीक है, ओके। उसके बाद में आती है एनवीरैम। एनवीरैम क्या है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, फाइन। अब देखो इसमें क्या होता है, हमारे सिस्टम में क्या होता है, मैं जो भी टास्क कर रहा हूँ, कोई फाइल में मैं कोई भी काम कर रहा हूँ, वो रैम में चल रहा होता है। अगर उसको आप सेव करते हो तो कहाँ पे सेव हो जाती है, वो हार्ड डिस्क में सेव हो जाती है ना, हार्ड डिस्क में सेव होती है। लेकिन राउटर में क्या होगा, राउटर में अगर मैं कोई कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ, अगर मैंने उसको सेव करना है तो वो हार्ड, उसकी फ्लैश मेमोरी में सेव नहीं होगी, वो कहाँ पे सेव होगी, एक अलग सी मेमोरी दी होगी उसमें, एनवीरैम, उसमें जाके सेव होगी। क्लियर है ये चीज़, तो उसमें सेव करना पड़ेगा। अगर नहीं सेव करोगे, क्योंकि जो भी आप टास्क कर रहे हो वो किस में चल रहा है, आपका रैम में चल रहा है, रिस्टार्ट हो जाएगा। तो मैंने कुछ आईपी दिए थे राउटर को, कुछ पासवर्ड्स दिए थे, तो वो तो क्या हो जाएंगे, इरेज हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे ना। तो आपको उनको सेव करना पड़ेगा कहाँ पे, एनवीरैम के अंदर सेव करना पड़ेगा। क्लियर है, ओके। इसमें आप लिख सकते हो, इट होल्ड द फाइल ऑफ सेव्ड कॉन्फ़िगरेशन। जो मैंने कॉन्फ़िगरेशन सेव कर दिया उस फाइल को ये क्या करके रखेगा, होल्ड करके रखेगा। और उस फाइल को हम लोग बोलते हैं स्टार्टअप कॉन्फ़िग। क्या बोलते हैं आप, सेव कॉन्फ़िगरेशन बोल सकते हो या फिर स्टार्टअप कॉन्फ़िग। उस फाइल का नाम होता है स्टार्टअप कॉन्फ़िग। और रैम के अंदर जो फाइल होती है जहाँ पे मेरी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन सेव होती है, वो होती है रनिंग कॉन्फ़िग फाइल, फाइन। तो ये दो मेमोरी होगी, स्टार्टअप कॉन्फ़िग। उसके बाद में बात करते हैं रोम। रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी। रोम का क्या काम होता है, रोम का काम होता है पोस्ट करना। व्हाट इज पोस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। अब देखो हमारे सिस्टम में क्या होता है, आप जैसे अपने कंप्यूटर को स्टार्ट करते हो, जैसे ऑन पे उस पर बटन प्रेस करते हो, तो एक दो सेकंड के बाद में आपको बीप की साउंड सुनाई देती है ना, फिर उसके बाद में आपका सिस्टम क्या करता है, बूट करता है। एक्चुअली क्या हो रहा होता है, जैसे आप सिस्टम को ऑन करते हो तो क्या करता है, रोम क्या करता है, रोम पोस्ट परफॉर्म करता है, पोस्ट करता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट करता है। मतलब क्या होगा, जैसे मैं उसको पावर दूंगा, वो क्या करेगा, एक एक कंपोनेंट को क्या करेगा, चेक करेगा। इसमें प्रोसेसर लगा हुआ, मदरबोर्ड लगा हुआ है, रैम है, ठीक है, हार्ड डिस्क है, ये आपकी प्रॉपर वर्किंग कर रही है या नहीं कर रही है। अगर वो कर रही है तो आपको एक बीप की साउंड देता है वो टी, और सिस्टम क्या कर जाता है, बूट कर जाता है। लाइक वहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा, अगर रैम के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो बीप की साउंड जो इंडिकेट जो करता है वो थोड़ा चेंज कर देता है, टी टी टी, इस तरह से, है ना, कंटिन्यूसली करता रहता है। तीन होती है क्या, जो भी होता है, तो वो आपको इंडिकेशन देता है ना कि रैम के अंदर क्या है, प्रॉब्लम है, तो वो सिस्टम को बूट नहीं करता, वहाँ पे एक एरर दे देता आपको। ऐसे ही होता है ना, वो एरर तीन बीप का एरर दे दिया उसने कि इसमें कुछ प्रॉब्लम, ठीक है। तो वो कुछ इंडिकेशन देता आपको कि आपकी पोस्ट कंप्लीट नहीं हुई, कोई ना कोई वहाँ पे क्या है, प्रॉब्लम है, ठीक है। तो अगर पावर ऑन सेल्फ टेस्ट आपका वो सक्सेसफुली हो गया तो आपका सिस्टम क्या कर जाता है, बूट कर जाता है। इसी तरह से हमारे राउटर में होता है, राउटर में भी क्या रहेगा, एक रोम रहेगी, वो भी क्या करेगा, पोस्ट करेगा, जैसे मैं ऑन करूंगा वो एक एक कंपोनेंट को चेक करेगा और क्या कर देगा, उस राउटर को बूट करवा देगा। ठीक है, राउटर क्या हो जाएगा आपका, बूट हो जाएगा। उसके बाद में एक आईओएस होता है, इसमें आईओएस इज इंटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, इंटरनेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इट इज ए काइंड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, यू कैन से इट इज ए सिस्को ऑपरेटिंग सिस्टम। फाइन, जो सिस्को में, सिस्को डिवाइसेस में हम लोग जो सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, जो हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आईओएस बोलते हैं। और आईओएस के कुछ वर्जन्स आते हैं, जैसे हमारे पास में क्या होता है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके वर्जन आते हैं ना। एक्सपी आया था, विस्टा आया, विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 10। ठीक है, अब जो नए जो आपके आए ऑपरेटिंग सिस्टम आ रहे हैं, नए जो आपके वर्जन आ रहे हैं, उनके अंदर आपको ज़्यादा फीचर्स मिलते हैं वहाँ पे ना, कुछ न्यू फीचर्स मिलते हैं। इसी तरह से क्या होता है, आईओएस होता है। सिस्को भी क्या करती है, नए आईओएस लॉन्च करती है। ठीक है, तो कौन कौन से आईओएस आते हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल इसके मैं कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, लाइक 12.1 आईओएस के वर्जन नेम है कुछ। ठीक है, फॉर एग्जांपल 12.2, 12.3, 13.1, 13.2, लाइक फॉर एग्जांपल अभी जो 15.0, 15.1, 15.2, 15.3, ये लेटेस्ट जो अभी मार्केट में आया हुआ है। ठीक है, तो ये अब जो आप एडवांस जो आईओएस यूज़ करोगे, उसमें उतने ही ज़्यादा आपको क्या मिलेंगे, थोड़े फीचर्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये कुछ कंपोनेंट्स हैं राउटर के। जैसे हमारे सिस्टम में कंपोनेंट्स होते हैं, उसी तरह से राउटर में भी क्या रहेंगे, कंपोनेंट रहेंगे। ठीक है, हमारे सिस्टम का टास्क डिफरेंट है, राउटर का टास्क डिफरेंट है। क्लियर। अब बात करते हैं राउटर के ऊपर जो पोर्ट्स रहते हैं, ये तो इंटरनल कंपोनेंट हो गए। ठीक है, हाँ जी सर, ये लो, एक प्रोसेसर भी रहता है इसमें। प्रोसेसर तो होगा ना, प्रोसेसर के बिना तो कोई काम ही नहीं चलेगा, सारा टास्क ही यही कर रहे हैं, यही सबको कंट्रोल कर रहे हैं ना। तो इसमें भी प्रोसेसर रहेगा, जैसे हमारे सिस्टम में प्रोसेसर होता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं पोर्ट्स ऑफ राउटर। राउटर में जो पोर्ट्स लगे होते हैं, वो कौन कौन से पोर्ट्स होते हैं। अब देखो, जो हमारे राउटर में पोर्ट्स होते हैं, वो दो टाइप के पोर्ट्स आते हैं। जो हमारे पोर्ट्स हैं वो दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। एक रहते हैं हमारे पास में इंटरफेसिस पोर्ट्स, और एक रहते हैं हमारे पास में लाइन पोर्ट्स। फाइन, जो हमारे इंटरफेसिस पोर्ट्स हैं, ये फिर से फर्दर डिवाइड होते हैं तीन पार्ट में। लाइन पोर्ट्स, हाँ लाइन पोर्ट्स, ये हमारे फर्दर तीन पार्ट में डिवाइड होते हैं। इथरनेट, बीआरआई और सीरियल। और जो मेरे लाइन पोर्ट्स हैं, ये फिर से फर्दर डिवाइड होते हैं आपके तीन पार्ट में। इट इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, विच कंसोल, ऑक्स, VTY। ठीक है, तो ये टोटल पोर्ट्स होते हैं हमारे पास में। तो अभी हम लोग सबसे पहले डिस्कस करते हैं इंटरफेसिस पोर्ट्स के बारे में। इंटरफेसिस पोर्ट्स कौन से होते हैं। ठीक है, तो हेडिंग डालो, इंटरफेसिस पोर्ट्स। हाँ लास्ट है VTY। These ports are used for connectivity or communication purpose। ये ports किस लिए यूज होते हैं? कनेक्टिविटी बनाने के लिए या फिर कम्युनिकेशन पर्पस के लिए यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल, अब मैंने दो राउटर्स को आपस में कनेक्ट करना है, तो मैंने कनेक्टिविटी बनानी है ना दोनों राउटर्स के बीच में एक केबल के थ्रू, तो मैं पोर्ट यूज करूंगा, तो इंटरफेस पोर्ट यूज करूंगा इनमें से कोई पोर्ट, या फिर मैं इथरनेट यूज करूंगा या फिर BRI या फिर सीरियल। वो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे कहाँ पे कौन सा यूज करेंगे। मैंने दो राउटर को आपस में कनेक्ट करना है। अगर एक राउटर को मॉडेम से कनेक्ट करना है, एक राउटर को स्विच से कनेक्ट करना है, तो हम लोग क्यों कर रहे हैं ये? हम लोग कम्युनिकेशन करवाना है ना, हमने कनेक्टिविटी बनानी है दो डिवाइसेस के बीच में, दो नेटवर्क के बीच में, ठीक है। तो इसलिए हम लोग कौन से पोर्ट्स यूज करते हैं? इंटरफेसेस पोर्ट्स यूज करते हैं। और जो लाइन पोर्ट्स हैं वो हम लोग यूज करते हैं डिवाइसेस को कॉन्फ़िगर करने के लिए। मैंने डिवाइस के अंदर कोई भी कॉन्फ़िगरेशन करनी है, लाइक मेरे राउटर को कोई IP देना है, उसपे कोई पासवर्ड देना है, कोई कुछ करना है ना। तो अब देखो, हमारे राउटर पे कोई स्क्रीन तो है नहीं ना, हमारे सिस्टम में तो क्या होती है, एक स्क्रीन होती है, मैं वहाँ पे उसको क्या कर लेता हूँ, मुझे मेरे सिस्टम पे मैं कोई भी टास्क कर सकता हूँ ना, बट राउटर पे तो कोई स्क्रीन नहीं है, तो इसको कैसे कॉन्फ़िगर करोगे? तो उसको क्या करना पड़ेगा, एक कंसोल मतलब एक लाइन पोर्ट के थ्रू क्या करना पड़ेगा, मेरे सिस्टम से अटैच करना पड़ेगा, और मैं वहाँ पे उस डिवाइस की कॉन्फ़िगरेशन ओपन करूँगा, उसमें डिवाइस का कंसोल एक्सेस करूंगा, और मैं उसमें कोई भी कॉन्फ़िगरेशन कर सकता हूँ। कुछ भी आपने IP असाइन करना है, पासवर्ड देना है, राउटिंग करनी है, कुछ भी, ठीक है। तो जो इंटरफेसेस पोर्ट्स हैं वो आपके कनेक्टिविटी के लिए यूज होते हैं, कम्युनिकेशन के लिए यूज होते हैं। तो अभी हम लोग डिस्कस करते हैं सबसे पहले यहाँ पे इथरनेट पोर्ट के बारे में। तो हेडिंग डालो इथरनेट। इसमें आपके फिर से फर्दर मैंने आपको बताया यहाँ पे तीन पार्ट होते हैं ना, इथरनेट, BRI और सीरियल। करते हैं इथरनेट पोर्ट के बारे में। दिस पोर्ट is used to connect our local area network, or you can say our LAN, to आपके लोकल एरिया नेटवर्क को राउटर से कनेक्ट करने के लिए हम लोग कौन सा पोर्ट यूज करते हैं? इथरनेट पोर्ट यूज करते हैं। एंड द IP एड्रेस ऑफ दिस पोर्ट इज डिफॉल्ट गेटवे। The IP address of this port will be default gateway of your LAN. Fine. How? For example, this is my switch, and there is some pieces. Like I am having around 100 pieces, fine, and I want to connect this network to a different network. Then what can you do? You can use a router विद दिस स्विच। तो ये जो स्विच आप इस राउटर से कनेक्ट करोगे तो कौन से पोर्ट से कनेक्ट करोगे? वो आप इथरनेट पोर्ट से कनेक्ट करोगे। इसके दोनों के आपने हम लोग बात कर रहे हैं राउटर की। राउटर पे ये केबल कहाँ पे कनेक्ट करोगे? इथरनेट पोर्ट से। और जो ये केबल यूज करोगे वो कौन सी यूज करोगे? स्ट्रेट और क्रॉस? स्ट्रेट केबल यूज करोगे। डिफरेंट डिवाइसेस है ना। और अब क्या करना पड़ेगा, इन मशीन्स को आपने आईपी दे रखा है। फॉर एग्जांपल 10 के नेटवर्क में इनको आईपी किस नेटवर्क में दिया हुआ आपने? 10 के नेटवर्क में। लाइक फॉर एग्जांपल 10.0.0.0 के नेटवर्क में इनको आईपी दे रखा है। कुछ भी लाइक 1 2 3 एनीथिंग। लाइक मैंने 2 से स्टार्ट कर दिए और मैंने आईपी दे दिए। तो अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे भी एक आईपी एड्रेस देना पड़ेगा। मैंने आपको बताया ना हम लोग इस इंटरफेसिस पोर्ट्स पे क्या कर सकते हैं। मैंने लाइन लिखवाई थी पीछे, वी कैन कन्फिगर आईपी एड्रेस ऑन इंटरफेसिस पोर्ट्स। इसमें लाइन ऐड कर सकते हो, वी कैन असाइन आईपी ऑन इंटरफेसिस पोर्ट्स। फाइन। तो इंटरफेसिस पोर्ट्स पे आपने आईपी असाइन करने पड़ेंगे ना। क्यों करने पड़ेंगे? मैंने आप लोगों को बताया था कि फिजिकल कनेक्टिविटी तो बन गई, लॉजिकल कनेक्टिविटी भी बनानी है ना। और लॉजिकल कनेक्टिविटी कौन बनाता है? प्रोटोकॉल्स बनाते हैं। और हम लोग आईपी प्रोटोकॉल यूज करेंगे। तो इसको भी क्या करोगे, एक आईपी एड्रेस असाइन करोगे आप। लाइक मैंने इस इंटरफेस को आईपी दे दिया इथरनेट पोर्ट को 10.0.0.1। तो ये वाला जो आईपी है वो इन सभी पीसीज के लिए क्या बन जाएगा? डिफॉल्ट गेटवे देखा हुआ है सभी ने कैसे देते हैं मशीन को। हाथ ऊपर करो किसको नहीं पता तो मैं बता देता हूं। ये देख लो। अब ये लाइक मेरा पीसी है, ये मेरा पीसी किससे कनेक्टेड है? कोई राउटर से कनेक्टेड है। ठीक है। तो ये पीसी बाहर कम्युनिकेट करेगा तो राउटर से कम्युनिकेट करेगा। ठीक है। तो इसको राउटर का एड्रेस पता भी तो होना चाहिए ना। तो जो इथरनेट पोर्ट से जो मेरा राउटर स्विच से कनेक्ट है और ये मेरा पीसी भी स्विच से कनेक्ट है, तो जब आप आईपी दे रहे हो तो इसको सबनेट मास्क भी दोगे। ये दो चीजें तो आप लोगों को क्लियर थी, मैंने पहले ही आप लोगों को एक्सप्लेन कर दी। उसके बाद में आते हैं यहाँ पे डिफॉल्ट गेटवे। यहाँ पे आईपी एड्रेस आ जाएगा उस राउटर का। क्लियर है ये चीज। तो जैसे ही अगर इस मशीन ने इस राउटर के बाद में क्या होगा, बाहर कोई भी मेरा आईएसपी होगा या फिर डिफरेंट नेटवर्क होगा, अगर इस नेटवर्क में बाहर कम्युनिकेट करना है तो ये चेक करेगा मेरा डिफॉल्ट गेटवे कौन है। ये राउटर है 10.0.0.1 है, ये जाएगा 10.0.0.1 के पास में। यहाँ पे ये राउटर क्या कर देगा, इसको आगे भेज देगा। ये कैसे आगे भेज देगा वो बाद की बातें हैं। यहाँ तक डिफॉल्ट गेटवे समझ में आ गया। तो जितने भी मेरे लोकल एरिया नेटवर्क में जितने भी कंप्यूटर रहेंगे सबको आपने डिफॉल्ट गेटवे दे देना है, राउटर का आईपी एड्रेस। क्लियर है ये चीज, इसमें कोई डाउट हो? ओके, ये चीज क्लियर है। अब जो हमारा इथरनेट है ना, इथरनेट पोर्ट भी फर्दर आपका 3 पार्ट में डिवाइड होता है। टाइप्स ऑफ इथरनेट। ये देखो हमारा जो इथरनेट पोर्ट था ना, ये भी फिर से कितने पार्ट में डिवाइड होगा? सिंपल इथरनेट, फास्ट इथरनेट और गीगा इथरनेट। जो मेरा सीरियल भी होता है ना वो DB 60 और स्मार्ट सीरियल 2 पार्ट में डिवाइड होता है। बाकी सारे एक एक ही होते हैं, बाकी कोई डिवाइड नहीं होता। ये चीज़ क्लियर है। तो चलो हम लोग बात करते हैं वहाँ पे टाइप्स की, इथरनेट के टाइप्स की। टाइप्स ऑफ इथरनेट। तो जो मेरा सिंपल इथरनेट है ना, सिंपल इथरनेट की अगर मैं बात करूँ, इसकी जो स्पीड होती है ना वो आपको मिलती है सिर्फ 10 Mbps की। हाँ। और इसकी शेप जो हमारा इथरनेट पोर्ट है उसकी शेप हमेशा क्या रहती है, जो हमारे इथरनेट पोर्ट्स हैं उनकी शेप हमेशा RJ45 की शेप होती है। RJ45 कनेक्टर सबने देखा है। किसने नहीं देखा, हाथ ऊपर करो। RJ45 कनेक्टर किसने नहीं देखा? चलो वेरी गुड। तो सिंपल इथरनेट की स्पीड स्लो होती है, 10 Mbps की होती है। अगर मैं बात करूं फास्ट इथरनेट की, और जो इसका नेमिंग कन्वेंशन जो होता है ना, जो हमारे राउटर के अंदर नेम किस तरह का देखने को मिलेगा इसमें, तो वो इस तरह से देखने को मिल सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल इथरनेट 0 हो सकता है, या फिर फॉर एग्जांपल इथरनेट 0/0 हो सकता है। इस 0/0 से क्या समझते हो आप? देखो जो ये हमारा राउटर है ना, इसमें कई बार तो क्या होता है, इस तरह से पोर्ट लगे हुए हैं। मेरे इथरनेट 3 पोर्ट लगे हुए हैं, तो इसका क्या नंबर होंगे? 0, 1, 2 इस तरह से। इथरनेट 0, इथरनेट 1, इथरनेट 2। कई बार क्या होता है, मेरे पास में कुछ मॉड्यूलर राउटर आते हैं ना, उन पे एक कार्ड लगा होता है, इस तरह से स्लॉट लगा होता है, और उस स्लॉट के ऊपर क्या होते हैं, कुछ इथरनेट पोर्ट्स होते हैं। तो ये क्या है मेरा, ये स्लॉट है, और ये मेरा क्या है, उस स्लॉट के ऊपर 3 पोर्ट्स हैं। तो ये जो पहला 0 है ना, ये हमारा स्लॉट का नंबर होता है। लाइक इस स्लॉट का नंबर क्या है? 0। और ये क्या किसका नंबर होता है? पोर्ट का नंबर। लाइक 0, 1, 2, और ये मेरा स्लॉट जो है उसका नंबर क्या है? 0। तो इस तरह से इसकी नेमिंग कन्वेंशन हो सकता है। नेमिंग आपको इस तरह से देखने को मिल सकती है इथरनेट, सिंपल इथरनेट की। क्लियर है ये चीज़? ओके, हम लोग देखेंगे राउटर को जब एक्सेस करेंगे ना, तो ये आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर कर देंगे। हाँ, इथरनेट हमारा ये है। उसके बाद में अगर मैं बात करूँ फास्ट इथरनेट की, इसमें जो आपको स्पीड मिलती है वो कितनी मिलती है? 100 Mbps। इसका जो नेमिंग कन्वेंशन होगा वो किस तरह से होगा? लाइक फॉर एग्जांपल फास्ट इथरनेट 0 हो सकता है, या फिर फास्ट इथरनेट 0/0 हो सकता है। सेम उसी तरह से स्लॉट नंबर और हुआ आपका। उसी तरह से अगर मैं बात करूं गीगा इथरनेट की, FE करके लिखा फास्ट इथरनेट। अगर मैं बात करूं गीगा इथरनेट की, गीगा इथरनेट में 1000 Mbps की स्पीड मिलती है आपको, और जो इसका नेमिंग कन्वेंशन होता है वो लाइक गीगा इथरनेट 0 हो सकता है, या फिर गीगा इथरनेट 0/0 हो सकता है। तो इस तरह से आपको इनके नेमिंग कन्वेंशन देखने को मिलते हैं। ठीक है, क्लियर है ये चीज़? राइट डाउन करना है। तो ये तो हो गए हमारे इथरनेट पोर्ट्स, जो कि हम लोग यूज़ करते हैं हमारे लोकल एरिया नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए एक राउटर पे। और राउटर के उस पोर्ट के जो IP एड्रेस रहेगा वो सबके लिए क्या बन जाता है? डिफ़ॉल्ट गेटवे। नेक्स्ट, आज के टाइम ये पोर्ट देखने को नहीं मिलेगा। बेसिक रेट इंटरफेस, ये पोर्ट यूज़ होता था ISDN लाइन के लिए। जैसे आजकल हमारी लीज लाइन्स आती है ना, उसी तरह से पहले ISDN लाइन आती थी। इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो होती थी, लाइक अराउंड 144 kbps के करीब स्पीड थी इसकी। और आज के टाइम ये पोर्ट यूज़ ही नहीं होता। आपको जो हमारे राउटर सारे उनमें देखने को मिलेगा नहीं ये पोर्ट। ठीक है, ये किस लिए यूज़ करते थे? हमारे राउटर को किससे कनेक्ट करने के लिए? ISP से कनेक्ट करने के लिए। लीज लाइन आती थी एक, लीज लाइन की तरह एक ISDN लाइन आती थी। फुल फॉर्म मुझे पता नहीं है, याद नहीं है, पता तो थी याद नहीं है, भूल गया हूँ, देख लेना। ISDN की इंटरनेट पे ISDN लिखोगे तो कमांड आ जाएगी, इंटरनेट सिंक्रोनस डिजिटल फंक्शन सेम था। तो ISP से क्या फुल फॉर्म है? इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल एंड नेटवर्क। ठीक है, आज के टाइम में हम लोग ISDN लाइन वगैरह यूज़ नहीं करते हैं, लीज लाइन यूज़ होती हैं। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं सीरियल पोर्ट। this port is used to connect router to router or router to राउटर को राउटर से कनेक्ट करना है आपने। तो इस राउटर पे क्या होगा, एक सीरियल पोर्ट होगा, उसे हम लोग सीरियल केबल यूज कर लेंगे। ये जो केबल यूज होगी, कौन सी केबल यूज होगी, ये आपको रेडीमेड केबल मिलेगी सिस्को की, ठीक है। और यहाँ पे सीरियल पोर्ट पे हम लोग क्या कर लेंगे, उसको कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अब मेरा राउटर है, राउटर को मॉडम से आईएसपी से कनेक्ट करना है, तो मैं केबल कौन सी यूज होगी, यहाँ पे मॉडम पे जाएगी ना ये केबल, तो सीरियल, यहाँ पे कनेक्टर होगा, एक कन्वर्टर यूज होगा साथ में, ठीक है। और इसमें दो तरह की सीरियल केबल आती है, एक आती है विदाउट जॉइंट, जो कि राउटर को राउटर से कनेक्ट करने के लिए यूज होती है विदाउट जॉइंट, और एक ये केबल होगी विद जॉइंट। ठीक है, इसमें केबल दो केबल होती है, मतलब उसमें एक केबल के अंदर एक जॉइंट होता है, ठीक है, ताकि वो मॉडम से क्या हो जाए, कनेक्ट हो जाए। मॉडम को कनेक्ट करने के लिए फिर वो एक टाइप का कन्वर्टर की तरह काम करता है वो विद जॉइंट वाला, ठीक है। वैसे आप एक और काम कर सकते हो, राउटर को राउटर से कनेक्ट करना है तो इथरनेट पोर्ट से भी आप कनेक्ट कर सकते हो। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इथरनेट पोर्ट से नहीं कनेक्ट कर सकते, इथरनेट पोर्ट से भी आप कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। बट नॉर्मली हम लोग बोलते हैं कि सीरियल केबल हम लोग क्या यूज़ करते हैं, राउटर को राउटर से कनेक्ट करने के लिए और राउटर को आईएसपी से कनेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। हाँ, अगर क्या चीज़ सीरियल केबल, वो उसकी एक अलग टेक्नोलॉजी है, ठीक है। उसके अंदर हम लोग उनके पिन्स के बारे में ऐसा कुछ नहीं पढ़ेंगे, कैसे बनती है कैसे नहीं, सेम ओके। इसमें मैंने आपको बताया ना, इसमें दो पोर्ट होते हैं, कौन कौन से पोर्ट रहते हैं इसमें, एक तो सीरियल DB60, ये 60 पिन का पोर्ट होता है, और एक होता है आपका स्मार्ट सीरियल, ठीक है, इसकी स्पीड ज़्यादा रहती है थोड़ी। और एक चीज़ और, हाँ, इसमें जो आपका नेमिंग कन्वेंशन रहेगा ना, वो किस तरह का हो सकता है, इस तरह का, सीरियल 0 हो सकता है या फिर सीरियल 0/0 हो सकता है। और यहाँ पे आपको स्मार्ट सीरियल फास्ट होता है। यहाँ पे आपको जो राउटर्स वगैरह आपस में कनेक्टेड मिलेंगे, रैक वगैरह में जब आप देखोगे तो सारे के सारे राउटर आपस में कनेक्टेड हैं इथरनेट केबल से, इथरनेट पोर्ट से ही क्या है, कनेक्टेड है, ठीक है। ये दोनों प्रेजेंट होते हैं और टाइप्स हैं या फिर दोनों, ये दो टाइप के होते हैं, एक ये या फिर ये, और डिपेंड करता है। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे स्मार्ट सीरियल लगे होंगे मे भी, या फिर होंगे ही नहीं। अब देखो सीरियल केबल में क्या होगा, सीरियल केबल यूज़ करते हैं कोई भी डिवाइस को पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट करने के लिए। लाइक ये मेरे पास में दो राउटर है, इनको पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट करना है तो मैं सीरियल केबल ही यूज़ करूँगा, ठीक है। अगर मेरे पास में क्या है, एक ये राउटर है, मैंने इसको मल्टीपल राउटर से कनेक्ट करना है, तो मैं एक स्विच के साथ में भी कनेक्ट कर सकता हूँ ना इसको, इस तरह से, हो सकता है ना। एक ही राउटर अब इससे भी कनेक्ट है, इससे भी, इससे भी। मेरा ये जो मेरी केबल है, ये क्या काम कर रही है, मल्टी एक्सेस का, और ये पॉइंट टू पॉइंट है मेरा, एक केबल से एक ही डिवाइस के साथ में क्या कर रहा हूँ मैं, कम्युनिकेट कर रहा हूँ। और ये क्या है, जो मेरी इथरनेट केबल होती है, एक ही केबल से आपके साथ में क्या हो सकता है, मल्टीपल पीसीज के साथ में कम्युनिकेट हो सकता है। मैंने बताया यहाँ पे कोई एड्रेस नहीं होता, मैक एड्रेस नहीं होता यहाँ पे सीरियल केबल में, क्यों, क्योंकि देखो अगर इसने, अगर इसको कोई डेटा सेंड करना है, इसको पता है कि सामने एक ही क्या है, डिवाइस है, इसने यहाँ से इस केबल से डेटा फॉरवर्ड कर देना है इस पोर्ट से। बट क्या है, अगर इस डिवाइस ने इस डिवाइस को डेटा सेंड करना है, ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर इस केबल से फॉरवर्ड कर देगा तो यहाँ पे सबके पास में जा रहे हैं ना, बट मैं चाहता हूँ ये किसके पास में जाए, इसके पास में जाए, तो मुझे एक एड्रेस की जरूरत पड़ेगी ना, हम लोगों को क्या पड़ेगी, एक एड्रेस की जरूरत पड़ेगी। तो हम लोग क्या यूज कर लेते हैं, मैक एड्रेस। सिस्टम्स में यही तो होता है, हमारे जो पीसीज लगे हैं इनको राउटर मत समझो, लाइक ये मेरे क्या है सिस्टम है, अगर इसने इधर डेटा भेजना है तो मैक एड्रेस के थ्रू ही तो भेजते हो आप लोग। मैंने क्या करना है, इसी को भेजना है, तो मुझे एक लेयर 2 एड्रेस चाहिए होगा ना, क्योंकि मेरा स्विच किस पे काम करता है, लेयर 2 पे काम करता है। तो वो मैक एड्रेस को भेजेगा, लाइक इसका मैक एड्रेस क्या है बी, ये बी को डेटा भेजेगा तो इसके पास में रिसीव हो जाएगा, बाकियों को रिसीव नहीं होगा, है ना। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो मुझे कोई एड्रेस की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पता है कि सामने एक ही डिवाइस है, इसने आगे फॉरवर्ड कर देना है। तो जो हमारा लेयर 2 पड़ा था ना, लेयर 2 में एक इथरनेट हेडर ऐड होता है, बताया था मैंने आपको, इथरनेट हेडर ऐड होता है। इथरनेट हेडर कब ऐड होगा, जब मैं क्या यूज कर रहा हूँ, इथरनेट टेक्नोलॉजी यूज कर रहा हूँ। अगर मैंने सीरियल केबल यूज कर ली तो वहाँ पे टेक्नोलॉजी क्या होगी, सीरियल पोर्ट यूज कर रहा हूँ तो टेक्नोलॉजी चेंज होगी, वहाँ पे लेयर 2 पे इथरनेट हेडर ऐड नहीं होगा, वहाँ पे कोई और ही प्रोटोकॉल यूज होगा, वहाँ पे कोई और ही हेडर यूज होगा, HDLC होता है, पढ़ेंगे हम लोग, ये टाइम आएगा इसका भी। राउट को ये चीज़ क्लियर है। तो ये हमारी सीरियल केबल होगी, राउटर को राउटर से कनेक्ट करने के लिए और मॉडम को मॉडम से कनेक्ट करने के लिए। तो हम लोग थे यहाँ पे, क्लियर है, ये भी हो गया और ये भी हो गया। तो ये जो पोर्ट्स हम लोग यूज़ करते हैं ये कनेक्टिविटी बनाने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए। और इंटरफेसिस पोर्ट्स पे हम लोग क्या कर सकते हैं, आईपी एड्रेस असाइन कर सकते हैं, और आईपी एड्रेस असाइन करना भी पड़ेगा, क्योंकि कनेक्टिविटी बनाने के लिए तो फिजिकल कनेक्टिविटी तो है, लॉजिकल कनेक्टिविटी बनाने के लिए यहाँ पे एक आईपी देना पड़ेगा और यहाँ पे भी क्या देना पड़ेगा, दोनों इंटरफेसिस पे आईपी देना पड़ेगा ना, तभी लॉजिकल कनेक्टिविटी बनेगी आपकी। क्लियर है, ओके। चलो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं लाइन पोर्ट्स के बारे में। हेडिंग डाल लो, लाइन पोर्ट्स। स्पीड का डिफरेंस होता है। लाइन ports, these ports are used to configure the device locally or रिमोटली। ये किसके लिए यूज होता है, आपके राउटर को, आपके डिवाइस को कॉन्फ़िगर करने के लिए यूज होता है, लोकली या फिर आप लोकल बैठे हो यहीं पे, या फिर आप कोई रिमोट लोकेशन बैठे हो। तो मैं कौन से पोर्ट के थ्रू इसको कॉन्फ़िगर करूंगा, राउटर को, कोई भी एक लाइन पोर्ट के थ्रू। वी कैन कॉन्फ़िगर पासवर्ड्स on password on line port। हम लोग line port पे क्या कर सकते हैं, पासवर्ड कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। पासवर्ड कॉन्फ़िगर करना भी पड़ेगा ना, क्योंकि अभी क्या होगा, मैंने इसको कॉन्फ़िगर कर दिया, कोई भी आएगा, अपना सिस्टम लगाया, केबल से कनेक्ट किया और उसकी राउटर को क्या कर लिया, उस पोर्ट के थ्रू, लाइन पोर्ट के थ्रू एक्सेस कर लिया, उसमें कुछ चेंजेस कर जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, उसके ऊपर पोर्ट के ऊपर एक पासवर्ड सेट कर देते हैं, ताकि कोई भी उस पोर्ट के थ्रू एंटर होने की उसमें ट्राई करे तो आपसे क्या मांग ले, वो पहले पासवर्ड मांग लेगा, ऑथेंटिकेशन मांगेगा आपसे। ठीक है, पासवर्ड दोगे तभी आप राउटर में एंटर हो पाओगे। तो हम लोग देखेंगे ये चीज़ें, तो ये चीज़ होगी। उसके बाद में हम लोगों ने डिस्कस किया कि इसके 3 टाइप हैं, कंसोल, ऑक्स और VTY। अब लाइक फॉर एग्जांपल मैं पहले बात करता हूं कंसोल पोर्ट की। दिस पोर्ट इज यूज्ड टू कॉन्फ़िगर द डिवाइस, कॉन्फ़िगर द राउटर लोकली। राउटर को लोकली कॉन्फ़िगर करने के लिए हम लोग कौन सा पोर्ट यूज करते हैं, कंसोल पोर्ट। फॉर एग्जांपल ये मेरा एक राउटर है, मैंने इसको कॉन्फ़िगर करना है, तो कोई कंप्यूटर के साथ में अटैच करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा ना। तो एक केबल के थ्रू कनेक्ट करोगे, तो ये केबल यहाँ पे कहाँ कनेक्ट करोगे आप? कंसोल पोर्ट रहेगा इस राउटर के ऊपर, उससे आप क्या कर दोगे? कनेक्ट कर दोगे। और उसकी जो शेप होती है वो कौन सी शेप होती है? किस तरह के देखने को मिलेगा आपको? ये शेप होती है RJ45 की। किस तरह की होती है? RJ45 शेप होती है, ठीक है। नहीं, सिस्टम की साइड बताता हूँ। तो ये तो मैंने केबल कहाँ पे कनेक्ट कर दी? कंसोल पोर्ट पे कनेक्ट कर दी, राउटर साइड में। अब सिस्टम साइड में क्या होगा? अब पहले तो ये जो केबल यूज हो रही है ना, वो केबल को बोलते हैं कंसोल केबल। क्या बोलते हैं? कंसोल केबल। और सिस्टम साइड में कहाँ अटैच होगी ये? क्योंकि ये इथरनेट पोर्ट पे तो हम लोग कनेक्ट करेंगे नहीं, तो वो कहाँ पे कनेक्ट होगी? सिस्टम में हमारे एक कॉम पोर्ट होता है। कौन सा? कॉम पोर्ट। कॉम पोर्ट पे कनेक्ट होगी। अब यहाँ पे एक कनेक्टर होगा, कॉम कनेक्टर। वो कहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा? 9 पिन का होता है ये कॉम। हर एक सिस्टम में होता है, डेस्कटॉप वगैरह में देखा होगा आप लोगों ने, जहाँ पे हम लोग गेम रिमोट जो जॉयस्टिक लगाते हैं, रिमोट वाला जॉयस्टिक कहाँ पे लगाते हो आप? सिस्टम में ऑप्शन होता है ना, एक तो USB तो होता ही होता है, उसके अलावा एक और होता है 9 पिन का, VGA के नीचे होता है, जो 9 पिन का होता है। हाँ, सीरियल जिसको बोलते हो सर, VGA के नीचे होता है वही। हाँ, 9 पिन का एक पोर्ट होता है, तो वहाँ पे कनेक्ट हो जाता है ये। और इस सिस्टम से हम लोग क्या कर सकते हैं? राउटर को फिर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ये तो बात आ गई, ये एक रेडीमेड केबल है कंसोल केबल, ठीक है। एक केबल मैंने भी आप बनानी बताई थी ना, जिसको हम लोग रोल ओवर केबल बोलते हैं। उसमें तो दोनों साइड में क्या है? RJ45 के थे। ये तो RJ45 तो चलो राउटर के कंसोल में मैं लगा दूंगा, बट ये वाला RJ45 फिर कैसे कनेक्ट करोगे? तो इसके लिए क्या होगा? एक कन्वर्टर यूज होगा, RJ45 टू DB9। उसमें क्या होगा? एक जो कन्वर्टर होगा ना, उसमें इस तरह से एक RJ45 का पोर्ट रहेगा। ये कनेक्टर तो इसमें अटैच हो जाएगा, इस पोर्ट में अटैच हो जाएगा, एक पोर्ट होगा। और एक इसमें 9 पिन का क्या होगा? कनेक्टर होगा। ये क्या हो जाएगा? इस कॉम पोर्ट पे कनेक्ट हो जाएगा। और इस राउटर पे फिर इस पीसी पे उस राउटर को क्या कर सकते हो आप? एक्सेस कर सकते हो। तो जो मेरा कंसोल पोर्ट होता है वो सिर्फ राउटर को लोकली कॉन्फ़िगर करने के लिए यूज करते हैं। अब आजकल क्या होता है, जो लैपटॉप्स है मेरे पास में, ठीक है, तो आजकल जो मेरे कॉम पोर्ट है ना ये वाला, इसके लिए फिर कन्वर्टर आता है USB में। तो फिर जो ये केबल है मेरी यहाँ पे लाइक कॉम पोर्ट है, तो एक यहाँ पे क्या होगा? एक 9 पिन का पोर्ट होगा, ये कॉम कनेक्टर इससे कनेक्ट हो जाएगा। ये RJ45 तो राउटर में कनेक्ट हो गया कंसोल में, और ये मैंने कहाँ कनेक्ट कर दिया? एक कन्वर्टर होगा यहाँ पे, फिर से यहाँ पे पोर्ट रहेगा, ये कनेक्टर इससे अटैच हो जाएगा। और यहाँ से एक केबल निकलेगी USB केबल, जो मैं लैपटॉप में क्या कर सकता हूँ या सिस्टम में क्या कर सकता हूँ? अटैच कर सकता हूँ। और यहाँ पे उस राउटर की कॉन्फ़िगरेशन क्या कर सकता हूँ? एक्सेस कर सकता हूँ। तो USB कन्वर्टर भी आते हैं, सिस्टम आ रहे हैं उनमें आपको वो कॉम पोर्ट देखने को नहीं मिलता है ना, तो इसलिए वो USB यूज हो रहा है, ठीक है। तो राउटर को लोकली कॉन्फ़िगर करना है तो हम लोग कौन सा पोर्ट यूज करते हैं? कंसोल। और इसका जो नेमिंग कन्वेंशन है वो किस तरह की रहेगी? लाइक कंसोल 0, बाय डिफॉल्ट एक ही पोर्ट होता है, और उसका नेम किस तरह का देखने को मिलेगा आपको? कंसोल 0, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग ऑप्स की। हाँ, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने पड़ते हैं। पोर्ट के बारे में देखते हैं। दिस पोर्ट इज यूज्ड टू कॉन्फ़िगर द डिवाइस, कॉन्फ़िगर द राउटर रिमोटली। ये रिमोटली इसको कॉन्फ़िगर करने के लिए यूज होता है। किस तरह से? फॉर एग्जांपल, ये मेरा राउटर है और मैंने इसको रिमोटली एक्सेस करना है। तो रिमोटली एक्सेस करने के लिए इस राउटर को आपको मॉडम से कनेक्ट करना पड़ेगा, और मॉडम आपका कनेक्ट होगा ये सिर्फ रिमोटली एक्सेस करने के लिए यूज़ होता है। आज के टाइम में ऑक्स पोर्ट भी यूज़ नहीं होता रिमोटली एक्सेस करने के लिए, वो बताऊंगा कौन सा यूज़ होता है। तो यहाँ पे जो ये केबल आप कनेक्ट करोगे वो ऑक्स पे कनेक्ट करते थे, और जो इसकी शेप होती थी वो भी, और आप कोई भी रिमोट लोकेशन में बैठे हो बस इस राउटर के ऊपर आईपी कौन सा होना चाहिए, कौन सा आईपी होना चाहिए, पब्लिक या प्राइवेट है? अब एक ही बचा है, कहाँ है पब्लिक। मैंने इसको रिमोटली एक्सेस करना है यार इंटरनेट के थ्रू, बाहर से प्राइवेट को एक्सेस कर लोगे क्या? पब्लिक आईपी यूज़ करना पड़ेगा ना उस पर, फिर राउटर पे पब्लिक आईपी होना चाहिए, तब इसको आप रिमोटली क्या कर पाओगे, एक्सेस कर पाओगे। तो फिर रिमोट लोकेशन में भी उस राउटर को क्या किया जा सकता है, एक्सेस किया जा सकता है। ठीक है, ये पोर्ट भी यूज़ नहीं होता, इसके लिए बताऊंगा अभी कौन सा पोर्ट यूज होता है। नेक्स्ट देखते हैं VTY पोर्ट। Ox 10-4. Next port is what? BTY is 10-4. Virtual type. This port is used to configure the device locally or remotely। ये port हम लोग यूज करते हैं डिवाइस को locally और remotely कॉन्फ़िगर करने के लिए। This is a logical port not a physical। ये आपको राउटर पे देखने को नहीं मिलेगा फिजिकली, बट राउटर में क्या होता है लॉजिकली वहां पे अवेलेबल रहेगा, आप उसको यूज कर सकते हो। ठीक है, ओके, लाइक ये मेरा राउटर है, ठीक है, और ये मेरा राउटर है कनेक्टेड किससे, मेरे लोकल एरिया नेटवर्क से, फाइन। और ये मेरा आईएसपी से भी कनेक्ट है, या फिर आप मान लो कि डिफरेंट नेटवर्क से भी क्या है ये कनेक्टेड है। यहाँ पे भी कोई पीसी है, यहाँ पे एक पब्लिक आईपी मिला हो इसको, लाइक फॉर एग्जांपल 12.1.1.1, यहाँ पे इसको एक कोई भी आईपी मिला 1.1.1.1, ये मेरे लैन में यूज़ हो रहा है। ठीक है, अब सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अगर आप लोगों ने राउटर को कॉन्फ़िगर करना है तो कंसोल से ही क्या करना पड़ेगा, कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। जब उसके ऊपर कोई आईपी वगैरह असाइन कर दोगे तब भी उसको रिमोटली कॉन्फ़िगर कर पाओगे ना आप लोग। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, आपको कंसोल के थ्रू इस पर आईपी की कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी। अगर आपने इसको रिमोटली एक्सेस करना है VTY पोर्ट के थ्रू, तो VTY पोर्ट को भी कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। VTY पोर्ट को कॉन्फ़िगर करने के लिए पहले इसको कंसोल से क्या कर लिया, कनेक्ट करके इस राउटर की कॉन्फ़िगरेशन मैंने एक्सेस कर ली, और मैंने VTY पोर्ट को क्या कर दिया, यहाँ पे इनेबल कर दिया। इस पर मैंने VTY पोर्ट को क्या कर दिया, इनेबल कर दिया। VTY क्या है, एक काइंड ऑफ सर्विस है। VTY इज ए काइंड ऑफ, इट इज ए टाइप ऑफ सर्विस, इट इज ए टाइप ऑफ रिमोट सर्विस, वी कैन से VTY इज टाइप ऑफ रिमोट सर्विस। इसका क्या मतलब है, अगर कोई भी राउटर पे अगर आप लोग VTY पोर्ट इनेबल कर देते हो, इसका मतलब है आप राउटर के ऊपर रिमोट सर्विस क्या कर रहे हो, इनेबल कर रहे हो। मतलब राउटर को आप रिमोटली क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो अब क्या होता है, मैंने इस पे VTY पोर्ट क्या कर दिया, इनेबल कर दिया, इनेबल कर दिया। इसका मतलब इस पे रिमोट सर्विस क्या होगी, इनेबल होगी। इस पे टेलनेट की सर्विस इनेबल होगी। क्या इनेबल हो गया इसके ऊपर, टेलनेट। टेलनेट क्या है, टेलनेट पता है कुछ नहीं पता? टेलनेट क्या होता है, लाइक एक मेरे पास में ये डिवाइस है, एक और डिवाइस है, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मैंने उस डिवाइस पे कोई काम करना है, तो मैं यहाँ पे बैठे बैठे उस डिवाइस को यहाँ पे एक्सेस कर सकता हूँ। किसके थ्रू, टेलनेट के थ्रू। ठीक है, तो टेलनेट एक रिमोट सर्विस है आपकी। तो मैंने VTY पोर्ट इनेबल कर दिया, इट मीन्स इसके ऊपर आपने टेलनेट की सर्विस क्या कर दी, इनेबल कर दी। तो टेलनेट की सर्विस इनेबल कर दी, तो अब इस राउटर के ऊपर क्या है, आईपी वगैरह मिले हैं इसको, तो आप यहाँ पे राउटर को क्या कर सकते हो, टेलनेट के थ्रू एक्सेस कर सकते हो। तो ये तो मैं लोकली एक्सेस कर रहा हूँ इसको, अब अगर आपकी कनेक्टिविटी है आईएसपी से, अगर आप यहां से इस राउटर को पिंग भी कर पा रहे हो इस पब्लिक आईपी से, तो आप क्या कर सकते हो, उस राउटर को रिमोट लोकेशन में भी क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। तो VTY पोर्ट यूज करते हैं हम लोग टेलनेट करने के लिए, रिमोटली एक्सेस करने के लिए और लोकली एक्सेस करने के लिए। एक बार तो आपने क्या कर दिया, राउटर पे आईपी दे दी है, कॉन्फ़िगरेशन कर दी उसकी, उसके बाद में हम लोग VTY की थोड़ी लैन में एक्सेस करके कर सकते हैं। तो पिंग जल्दी करेंगे तो VTY पोर्ट चालू होगा। हाउ टू एक्सेस, कॉन्फ़िगरेशन करनी है ना। तो ये मेरा राउटर है, कौन से पोर्ट के थ्रू एक्सेस करोगे, कंसोल के थ्रू। कंसोल केबल लगाई कंसोल पोर्ट पे और यहाँ पे कॉम पोर्ट पे अटैच होगी। अब अगर ये आपका एक्सपी ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, एक्सपी ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता था, इनबिल्ड एक फीचर मिलता था, ऑल प्रोग्राम के अंदर जाते थे ना हम लोग, ऑल प्रोग्राम, उसमें एसेसरीज, एसेसरीज के अंदर क्या था, कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन ही था क्या, कम्युनिकेशन भी है। कम्युनिकेशन में था एक हाइपर टर्मिनल नाम से, हाइपर टर्मिनल ओपन करते थे ना, उस पर क्लिक करते थे तो एक विंडो ओपन हो जाती थी हाइपर टर्मिनल की। वो कुछ आपसे पूछता था कि आप कौन से कॉम पोर्ट से कनेक्ट हो मेरे, ठीक है, तो उसको बता दिया और यहाँ पे कनेक्ट और ओके का ऑप्शन होता था, उस पर जैसे क्लिक करते थे तो विंडो ओपन हो जाती थी किसकी, राउटर। यहाँ पे आपके पास में क्या हो जाता था, एक्सेस हो जाता था, और राउटर को आप लोग क्या कर सकते थे, कॉन्फ़िगर कर सकते थे। अगर मैं यहाँ पे, आजकल हम लोग विंडोज 7 वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो इसमें इनबिल्ड नहीं मिलेगा वो, तो आप एक एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हो, 1-2 MB में है, ये छोटी सी एप्लीकेशन है पुट्टी नाम से। आप लोगों को यहाँ पे FTP सर्वर से मिल जाएगी। पुट्टी ओपन करोगे, वो कॉम पोर्ट पूछेगा कौन से कनेक्ट हो आप, ठीक है, कनेक्ट करोगे तो आपके पास में क्या हो जाएगा, राउटर एक्सेस हो जाएगा। बता दूंगा कैसे करना है, ये देख लो पुटी बता देता हूँ, पुटी मैंने यहाँ पे इंस्टॉल किया हुआ है। लाइक ये पुटी रहा, तो यहाँ पे क्या करना है, सीरियल सिलेक्ट करना है, सीरियल सिलेक्ट करना है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉम पोर्ट आ जाएगा। बस इसको आपने ओपन पे क्लिक करना है और राउटर क्या हो जाएगा, एक्सेस हो जाएगा। यहाँ पे मैंने कनेक्ट नहीं हुआ किया हुआ तो इसलिए ओपन नहीं हो रहा, ये चीज़ क्लियर है। हर OS पे इस पैकेट ट्रेसर में क्या है, जैसे इसको आप ओपन करोगे, यहाँ पे मैं राउटर आ रहा है, राउटर पे क्लिक किया, ये राउटर की सीरीज आ रही है, कुछ ये राउटर्स पड़े हैं, इनमें से कौन सा राउटर आपने यूज करना है। स्विच पे क्लिक करता हूँ, ये स्विचेज आ रहे हैं, कौन सा स्विच यूज करना है, हब आ रहा है, वायरलेस डिवाइसेज आ रहे हैं, कनेक्शंस कौन सी केबल यूज करनी है, इन पे कर्सर लेके जाओगे तो बताएगा ये कौन सी केबल है। ये क्या है, स्ट्रेट, कॉपर स्ट्रेट है ना, ये क्या है, क्रॉस, ये क्या है, सीरियल। यहाँ पे पीसीज आ रहे हैं, पीसी पे क्लिक करोगे तो पीसी आ रहा है, लैपटॉप आ रहा है, एक सर्वर आ रहा है, प्रिंटर आ रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या करना है, मैंने एक राउटर यूज करना है, मैंने एक राउटर यूज कर लिया, इसको ड्रैग कर लेना है। उसके बाद में इस राउटर को मैंने कॉन्फ़िगर करना है, तो एक पीसी भी चाहिए मुझे, एक कंप्यूटर भी चाहिए होगा, ये ले लो। उसके बाद में कौन सी केबल यूज करोगे, कौन सी केबल कॉन्फ़िगर करने के लिए, कंसोल केबल। राउटर पे क्लिक किया, कंसोल, राउटर पे क्लिक किया, ये RS232 मेरा कॉम पोर्ट है, इस पर क्लिक कर लिया। अब इस पीसी पे मैंने इसको ओपन किया, डबल क्लिक किया, पीसी क्या हो गया आपका। मैंने क्या करना है, पीसी पे क्लिक किया तो पीसी आपका ओपन हो गया। डेस्कटॉप पे आपको आपकी एप्लीकेशन मिलती है ना, लाइक मैंने अपने डेस्कटॉप में पुट्टी इंस्टॉल किया हुआ है, तो यहाँ पे क्या है, टर्मिनल है ये, इसको क्या कर देना है, ये राउटर क्या हो गया, एक्सेस हो गया। दिखाई दे रहा है सभी को, दिखाई नहीं दे रहा कुछ, एक काम करता हूँ मैं, ये एक्सेस हो गया ना। एक बार आंखें बंद करना सारे। ये मैंने पीसी एक्सेस किया है, ठीक है, मैंने कोई और चीज़ नहीं एक्सेस की है। सपोज करो कि मैंने क्या एक्सेस किया है, मैंने पीसी एक्सेस किया है, और पीसी के ऊपर क्या कर लिया, इस कंप्यूटर पे मैंने उस राउटर को क्या कर लिया, एक्सेस कर लिया। मैं यहाँ पे स्टार्टिंग में मैंने नो प्रेस करना होता है, ये नो क्यों बोल रहा है प्रेस करने के लिए वो मैं बताऊँगा, येस और नो क्यों बोलता है ये, इसका भी एक रीज़न होता है। तो ये राउटर क्या हो गया, एक्सेस हो गया। अब इस राउटर को हमने क्या करना है, कॉन्फ़िगर करना है। यहाँ पे कुछ मोड्स होते हैं, जैसे ये लाइक इनेबल, कॉन्फ़िगर टर्मिनल, अभी इंटरफेस, इंटरफेस फास्ट थ्रेड 0/0 0/0। तो ये कुछ मोड्स होते हैं, अभी हम लोग इन मोड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी मैं कमांड्स बताऊँगा एक एक मोड, टेंशन ना लो, मैं जल्दी गया हूँ तो ये चीज़ अभी आपको पता चलेगी, ठीक है। तो अब हमने क्या पढ़ना है, अब देखो मैंने राउटर को क्या करना है, मैंने राउटर को कॉन्फ़िगर करना है। मैंने राउटर को कॉन्फ़िगर करना है तो अब राउटर के क्या होंगे, कुछ मोड्स होते हैं, अलग अलग टाइप की कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग मोड में होती है। राउटर के अंदर कुछ आपने कुछ भी सेव करना है तो एक अलग से मोड होगा उसका यूज़। राउटर के अंदर मैंने कुछ IP एड्रेस देने हैं तो उसके लिए एक अलग से मोड बना होगा। राउटर के ऊपर मैंने कोई लाइन पोर्ट पे कोई पासवर्ड देना है, लाइन पोर्ट मैंने कॉन्फ़िगर करना है तो एक अलग से मोड होगा। मैंने कुछ डेटा सेव करना है, कॉन्फ़िगरेशन सेव करनी है तो एक अलग मोड होगा। तो डिफरेंट डिफरेंट आपको वहाँ पे क्या मिलेंगे, मोड्स मिलेंगे राउटर के। तो उन मोड्स के बारे में हम लोग अभी डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो हेडिंग डाल लो, मोड्स ऑफ राउटर, यूजर मोड। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट यूजर मोड। It is a limited type of mode. ये लिमिटेड टाइप ऑफ मोड है, और जैसे हम लोग राउटर में एंटर होते हैं तो राउटर में आप यूजर मोड में एंटर होते हो। कौन से मोड में ओपन होते हो, यूजर मोड में, ठीक है। आप यहाँ पे लिमिटेड टाइप ऑफ मोड है, आप यहाँ पे कोई कमांड वगैरह ज़्यादा रन नहीं कर पाओगे। कुछ स्पेसिफिक कमांड, एक दो कमांड आप रन कर सकते हो यहाँ पे। तो you can write it is used to check connectivity. connectivity check करने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं इसको, मोड को। connectivity check करने के लिए कौन सी कमांड चलती है, पिंग। और सामने वाले का लाइक आप इस राउटर पे हो, ये दो राउटर है आपके पास में, दोनों कनेक्टेड है, यहाँ पे भी एक IP होगा और यहाँ पे भी एक IP होगा। आप राउटर में एंटर हुए, आप राउटर के कौन से मोड में हो, लाइक यूजर मोड में हो, तो आप यहाँ पे यूजर मोड में पिंग कमांड चला के सामने वाले का IP एंटर करके आप कनेक्टिविटी चेक कर सकते हो। नेक्स्ट भी एक मोड आता है, उसमें भी कर सकते हो, बट इस मोड में हम लोग एक ये लिमिटेड कमांड रन कर सकते हैं, एक दो और कमांड रन कर सकते हैं, वो धीरे धीरे आप लोगों को पता चलेगी टेलनेट वगैरह की, ठीक है। तो इसमें मैं ज़्यादा नहीं बताऊँगा, इसमें आपको इस मोड में कुछ ज़्यादा है भी नहीं। इसमें बस आपको ये पता रखना है कि राउटर जो आपका एंटर होता है तो यूजर मोड में एंटर होता है। लिमिटेड टाइप ऑफ हम लोग कमांड्स इसमें क्या कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ और लिखो, साइन ऑफ दिस मोड। इस मोड का जो साइन होता है वो कैसे होता है, जैसे राउटर आपका, आप राउटर में एंटर होते हो, राउटर ग्रेटर देन का आपको वहाँ पे साइन मिलेगा। ये जो मोड है, ये जो साइन है पूरा, ये किस मोड, ये कौन सा मोड है आपका, यूजर मोड। देख लो ये लाइक मेरा राउटर है, मैंने राउटर में एक्सेस हुआ, ये मैंने राउटर एक्सेस किया। जैसे आप राउटर में एंटर हो रहे हो, राउटर का कौन सा मोड आ रहा है, यूजर मोड आ रहा है। आप यहाँ पे कोई ज़्यादा कोई टास्क नहीं कर सकते, लिमिटेड यूज़ के लिए यूज़ होता है। रियल में भी ऐसी आएगा, ये सिस्को का है जो पैकेट ट्रेसर है, एज इट इज़ ऐसे आपको रियल डिवाइसेस में मिलेगा। मैं काम करूँगा कल आप लोगों को ये रियल डिवाइसेस एक्सेस करके बता दूंगा, ठीक है। तो आप लोग लैब के अंदर क्या कर सकते हो, प्रैक्टिकल वगैरह परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है, ओके। तो उसके बाद में नेक्स्ट मोड लिखो, यूजर मोड हो गया। नेक्स्ट मोड लिखो, प्रिविलेज मोड। to see and save. राउटर कॉन्फ़िगरेशन, राउटर की कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों ने देखनी है और उसके अंदर क्या करना है, सेव करना है कुछ। तो हम लोग कौन से मोड का यूज करेंगे? प्रिविलेज मोड का यूज करेंगे। इस मोड में हम लोग चेंज नहीं कर सकते, मैंने कुछ कॉन्फ़िगरेशन करनी है तो आप इसमें इस मोड में नहीं कर सकते। ठीक है, साइन ऑफ दिस मोड। कमांड्स कौन सी चलेंगी वो भी आगे आएंगी आपकी, अभी मैं सिर्फ आपको बेसिक्स मोड्स बता रहा हूँ और उनके यूजेस बता रहा हूँ कि इन मोड्स के यूज क्या है। उन मोड्स के ऊपर कमांड्स कौन सी चलेंगी वो चीज़ें आएंगी अभी आपकी नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, साइन ऑफ दिस मोड। अब बाई डिफॉल्ट राउटर कौन से मोड में एंटर होता है? यूजर मोड में। अगर आपने प्रिविलेज मोड पे जाना है तो आप यहाँ पे कमांड रन करोगे इनेबल। जैसे आप इनेबल कमांड रन करोगे राउटर का साइन चेंज हो जाएगा, राउटर हैश। ये साइन किसका है? प्रिविलेज मोड का साइन है। ये देख लो, मैं यूजर मोड पे हूँ, मैंने कमांड रन करी इनेबल और एंटर प्रेस किया, साइन क्या हो गया? चेंज। अब मैंने कुछ भी देखना है राउटर की कॉन्फ़िगरेशन में, मैंने कुछ देखना है या फिर उसके अंदर कुछ सेव करना है तो मैं इस मोड पे आऊँगा और यहाँ पे कुछ कमांड्स रन करूँगा, उससे मुझे पता चल जाएगी वो चीज़ें। तो कौन सी कमांड रन होंगी आपकी वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, ओके। नेक्स्ट मोड इज ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड। We cannot see and save router कॉन्फ़िगरेशन। हम लोग राउटर की कॉन्फ़िगरेशन देख नहीं सकते, उसमें सेव नहीं कर सकते, उसके लिए प्रिविलेज मोड बना हुआ आपका, है ना। वी कैन डू दीज चेंजेस लाइक कौन कौन से चेंजेस आप कर सकते हो इसमें, लाइक होस्ट नेम चेंज कर सकते हो, राउटर का नेम चेंज करना आपने वो चेंज कर सकते हैं, हिस्ट्री साइज चेंज कर सकते हो, हिस्ट्री साइज। और हिस्ट्री साइज क्या होती है ये हम लोग डिस्कस करेंगे। नेट में चेंज कर सकते हो, नेट क्या होता है, एसीएल में चेंज कर सकते हो, एसीएल क्या होता है, ये कुछ कॉन्फ़िगरेशन मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। ठीक है, फाइन। तो हम लोग डिस्कस करेंगे वो कैसे ये कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर पाएंगे हम लोग उनकी। आप बैनर लगा सकते हो, आप एलियास नेम दे सकते हो, बताएंगे, बताऊंगा ये सारी चीज़ें। तो इसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं, लाइक ये कुछ चेंजेस कर सकते हैं, कल हम लोग डिस्कस करेंगे ये कैसे करना हमने। ठीक है, ये वाले नहीं बट कुछ इसमें से। ओके, साइन ऑफ दिस मोड। बाय डिफॉल्ट राउटर आपका यूज़र मोड में होता है। अब यहाँ से यूज़र मोड से आप डायरेक्ट ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे नहीं जा सकते, इनेबल कमांड रन करनी पड़ेगी। तो आप कहाँ पे आ जाओगे? प्रिविलेज मोड पे। और यहाँ पे आपने नेक्स्ट मोड में जाना है, तो कॉन्फ़िगर टर्मिनल, कॉन्फ़िगर टर्मिनल कमांड रन करोगे तो राउटर का साइन क्या हो जाएगा, मोड क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा कुछ इस तरह का। कॉन्फ़िग डैश, ये साइन किसका है? ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन का। कॉन्फ़िगर टर्मिनल होता है, स्पेस है बीच में, कॉन्फ़िगर स्पेस, ये स्पेस का साइन है ये लो। ठीक है, कॉन्फ़िगर स्पेस टर्मिनल। ये देखो सामने। ओके, मैंने नेक्स्ट मोड में जाना है तो कॉन्फ़िगर टर्मिनल मैंने कमांड रन करी, मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो नेक्स्ट मोड आ गया। अब आपने इस मोड से बैक जाना है तो क्या करोगे, एग्जिट कमांड। इससे और बैक जाना है तो एग्जिट कमांड। नेक्स्ट जाना है तो इनेबल, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन में जाना है तो कॉन्फ़िगर टर्मिनल, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन में आगे। एक शॉर्टकट कमांड यूज होती है, आप प्रिविलेज मोड के बाद में कहीं पे भी बैठे हो आप कंट्रोल प्लस जेड की प्रेस कर दो, डायरेक्ट किस में मूव कर जाओगे, ठीक है। टर्मिनल से बाहर निकलना, आप प्रिविलेज मोड के नेक्स्ट मोड में कोई भी मोड में हो आपने प्रिविलेज मोड पे जाना है तो आप अगर कंट्रोल प्लस जेड की प्रेस करते हो तो डायरेक्टली वो किस में चला जाएगा, ये एक शॉर्टकट की है इसके लिए, ठीक है, प्रिविलेज मोड पे चला जाएगा। एक चीज़ और, राउटर ना आपकी खुद हेल्प करता है बहुत सारी। जैसे अब यहाँ पे आप कौन कौन सी कमांड रन कर सकते हो तो मुझे पता नहीं है तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाता हूँ ना, तो यहाँ पे आप इतनी सारी क्या कर सकते हो, कमांड रन कर सकते हो। ट्रेस राउट कमांड भी रन कर सकते हो, देख लो यहाँ पे, है ना। तो लाइक मैं ये बोल रहा है कि यहाँ पे आप इनेबल कमांड भी रन कर सकते हो ना, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, इनेबल, मैंने EN लिखा और टैब प्रेस कर दिया। मैं मुझे आगे स्पेलिंग याद नहीं आ रही, या मुझे याद था नेक्स्ट मोड में जाने के लिए इनेबल कमांड रन करनी है, तो मुझे इनेबल की स्पेलिंग याद नहीं आ रही, मैंने EN तो दबा दिया, प्रेस कर दिया, टाइप कर दिया, उसके बाद में मैं टैब दबाता हूँ तो ये ऑटोमेटिक कमांड को क्या कर देगा, कंप्लीट कर देगा। एक चीज़ और, चलो मैं यहाँ पे, मैंने नेक्स्ट मोड में जाना है तो कॉन्फ़िगर टर्मिनल लिखना ना, मैंने CONF लिखा, मैंने टैब दबा दिया, कमांड कंप्लीट होगी। अब मुझे आगे कमांड नहीं याद आ रही, मैं T दबाता हूँ, टैब दबाता हूँ, या अगर T दबा के डायरेक्ट भी एंटर कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे शॉर्टकट कमांड्स नहीं बताऊँगा, मैं ट्राई करूँगा कि आप लोगों को फुल कमांड बताऊँ सारी, तो कंप्लीट कमांड है वो पता चले आपको। शॉर्टकट कमांड तो आप बाद में भी यूज़ कर सकते हो ना, ठीक है, हम लोग शॉर्टकट कमांड यूज़ नहीं करेंगे। तो कॉन्फ़िगर टर्मिनल, आगे क्या है, मैंने T दबाया, यहाँ पे T प्रेस किया, T लिखा, टैब प्रेस किया, टर्मिनल कंप्लीट हो गया। आगे क्या है इसके, मैं क्वेश्चन मार्क लगाता हूँ, CR मतलब इसके आगे कोई कीवर्ड नहीं है, ये लास्ट कीवर्ड है। आपने यहाँ पे अब क्या करना है, एंटर प्रेस करना है, ये लो। मतलब हो सकता है ना काफ़ी लेंथी कमांड हो सकती है कोई, तो कैसे पता चलेगा ये लास्ट कीवर्ड है, यहाँ पे एंटर प्रेस करना है। तो वहाँ पे अगर ब्रैकेट में CR लिखा रहा है तो मतलब क्या है, कमांड आपकी कंप्लीट है, ठीक है। नेक्स्ट मोड इज, कौन कौन से मोड देख लिए, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड। इसके बाद में हम लोगों ने डिस्कस किया था इंटरफेसेस दो टाइप के होते हैं, पोर्ट्स दो टाइप के होते हैं, इंटरफेसेस और लाइन पोर्ट्स, है ना। कोई भी इंटरफेस पोर्ट पे जाना है तो आप ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड से इंटरफेस मोड में जा सकते हो, और ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड से आप लाइन पोर्ट पे भी जा सकते हो। तो एक मोड बना हुआ है, तो इसमें दो और मोड होते हैं, इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन मोड और लाइन कॉन्फ़िगरेशन मोड। तो पहले हम लोग डिस्कस करते हैं इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन मोड के बारे में। These are not part of the window, right? Yeah, these two are different. Okay. Like interface configuration mode, this mode is used to, or you can shortcut में लिख लो, to configure IP addresses, or you can say to configure interfaces port। तो आपने इंटरफेसेस पोर्ट्स कॉन्फ़िगर करने हैं तो हम लोग ये मोड यूज़ करते हैं। ठीक है। इंटरफेसिस को क्या कॉन्फ़िगर करोगे, उन पे कोई आईपी देना है, पोर्ट कोई डाउन पड़ा है उसको अप करना है, कोई डिस्क्रिप्शन देनी है कुछ उसको, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, मोड यूज़ करते हैं। साइन आप ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन, अब ये नहीं है कि प्रिविलेज मोड से आप वहाँ चले जाओगे या यूज़र मोड से आप वहाँ चले जाओगे इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन मोड पे, नहीं, आप कहाँ पे हो, आपको पहले आना पड़ेगा कौन से, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे। यहाँ से आप क्या कमांड रन कर सकते हो, इंटरफेस स्पेस। अब इंटरफेसेस कितने टाइप के बताए थे ना मैंने आपको, 3 टाइप के थे, तो कौन से पोर्ट पे जाना है, इथरनेट, सीरियल, बीआरए, किस पे जाना है, मैंने इथरनेट पे जाना है। अब इथरनेट के भी टाइप्स थे कुछ, लाइक मेरे राउटर पे फास्ट इथरनेट लगे हुए हैं, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, उस पोर्ट का नाम फास्ट इथरनेट, आप लिख सकते हो पोर्ट नेम, स्पेस, यहाँ पे स्पेस है भाई। और अब फास्ट इथरनेट मल्टीपल हो सकते हैं ना वहाँ पे, तो उस पोर्ट का नंबर, लाइक दिस, इंटरफेस स्पेस फास्ट इथरनेट स्पेस, लाइक 0/0। सीरियल पे जाना है तो इंटरफेस सीरियल 0/0, बीआरए पे जाना है इंटरफेस बीआरए 0, फाइन। तो आप इस तरह से कोई भी इंटरफेस पे जा सकते हो और उन पे आईपी एड्रेसेस कॉन्फ़िगर कर सकते हो। हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे आईपी एड्रेसेस कॉन्फ़िगर करने हैं। तो अभी मैं इस मोड की कमांड देख लो, अगर इस मोड पे जाना है तो कैसे जाओगे, इंटरफेस, लाइक इस पे फास्ट इथरनेट है, फास्ट इथरनेट 0/0, जैसे इंटरप्रेस करोगे मोड का साइन क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे मैंने मोड का साइन बताया नहीं था क्या आपको, ये लो फिर, यहाँ पे आपने कमांड चलाई, जैसे आप कमांड चलाओगे मोड का साइन, राउटर का साइन क्या हो जाएगा, मोड क्या हो जाएगा, हाइफन इफ, ये साइन आ जाएगा। ये मतलब आप इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन मोड में बैठे हो और कौन से पोर्ट पे हो आप, फास्ट इथरनेट 0/0। यहाँ पे कोई भी आईपी एड्रेस वगैरह दोगे तो उस वाले पोर्ट पे वो आईपी एड्रेसेस वगैरह क्या हो जाएंगे, असाइन हो जाएंगे। क्लियर है चीज, ओके नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं लाइन कॉन्फ़िगरेशन मोड। ओके, लाइन कॉन्फ़िगरेशन मोड, इसमें क्या है, टू कॉन्फ़िगर लाइन पोर्ट्स वी यूज लाइन कॉन्फ़िगरेशन मोड। लाइक कोई भी लाइन पोर्ट पे आपने पासवर्ड वगैरह देना है, कोई कुछ करना है, तो हम लोग ये मोड यूज़ कर लेंगे। तो साइन क्या होगा इसका, साइन इस तरह का होगा, लाइक फॉर एग्जांपल राउटर कॉन्फ़िग, मैंने बताया ना कॉन्फ़िग से आप, कॉन्फ़िग के बाद में दो आते हैं, इंटरफेस या फिर लाइन। तो लाइन कमांड चलाओगे, स्पेस पोर्ट नेम और पोर्ट नंबर, राउटर कॉन्फ़िग हाइफन लाइन हैश, मतलब लाइन स्पेस पोर्ट नेम वर्ड कंसोल स्पेस नंबर 0, और यू कैन से लाइन स्पेस VTY स्पेस 0, फाइन। तो उसका मोड क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। एक चीज और, आप ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड से इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जा सकते हो, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड से लाइन कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जा सकते हो। अगर आप इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन मोड में हो तो लाइन मोड में भी, लाइन कॉन्फ़िगरेशन मोड में भी जा सकते हो, कोई भी लाइन पोर्ट पे। अगर आप लाइन कॉन्फ़िगरेशन मोड पे बैठे हो तो आप इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन मोड पे भी जा सकते हो, मतलब कोई भी इंटरफेस पे सेम कमांड चला के देते हैं। हाँ, बट वहाँ पे हेल्प नहीं मिलेगी, जो मैंने हेल्प लेके कमांड कंप्लीट कर रहा था ना मैं, वो वाली हेल्प नहीं मिलेगी, फिर आपको कमांड लिखनी पड़ेगी। जैसे मैंने लाइन पे जाना, अब यहाँ से जाना है मैंने, लाइन देखो पूरी नहीं हो रही ना, लाइन स्पेस मैं क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूँ, ये बता ही नहीं रहा, मुझे पता होना चाहिए VTY 0 है वहाँ पे, तब जाएगा। हेल्प नहीं मिलेगी हम पे, हेल्प लेनी है तो जहाँ से लाइन स्पेस क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूँ, चेंज हो गया ना मोड। ठीक है, इतना क्लियर है। ये हमारे बेसिक मोड थे, एक राउटिंग मोड भी होता है, वो राउटिंग आएगी तब पता चलेगा आप लोगों को।